welcome to YSR Academy students. Let us continue with reproduction in lower and higher plants chapter. Last time हमने खत्म किया था pollen pistil interaction के बारे में, जहां पे हमने discuss किया था regarding stigma desired pollen grain को ही germinate करने देता है. अब what happens after pollen grains germinate और what happens after pollen grains fall onto the stigma, उसके बाद क्या होता है हम चेक करेंगे आज. सो एक कंसेप्ट है जो लास्ट टाइम हमारा छूटा था पिछले वीडियो में. सो वी विल डिस्कस दैट कंसेप्ट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. सो बेसिकली ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को हैंड पॉलिनेशन से हैंड पॉलिनेटेड से पॉलिनेशन करवाते हैं. इसका मतलब होता है कि आपको मैंने स्पीशीज ए और स्पीशीज ए के दो मेल और फीमेल प्लांट दिए, या फिर सपोज ये कोई फ्लावर है, यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल और यहाँ पे प्रेजेंट है मेल. अब इसमें क्या होगा, मेल के पास होगा पोलन, फीमेल के पास होगा एग, गाइनीशियम. हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, डिजायर्ड हेल्दी पोलन ग्रेन को विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स हम निकालते हैं. पोलन ग्रेन को हम निकालते हैं और फिर डिजायर्ड पोलन ग्रेन को आर्टिफिशियली पॉलिनेट करवाते हैं ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर. इसके बाद ये होता है दो तरीके से. इस प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन. दूसरा होता है, अब जैसे ही आपने निकाल लिया डिजायर्ड एंथर, डिजायर्ड पोलन ग्रेन फ्लावर में से निकाल लिया, और जिस फीमेल प्लांट के ऊपर आप डस्ट करोगे पोलन ग्रेन, उस पर्टिकुलर फ्लावर को हम एक कैरी बैग लगा देते हैं. इसे कहते हैं बैगिंग. क्यों? ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके पॉलिनेशन ना करे. तो ये होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. अब नेक्स्ट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे हम आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पे. बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन. अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये खासियत होती है एंजियोस्पर्म्स की, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का. ये डबल फर्टिलाइजेशन आपको ना अल्गे में देखने मिलेगा, ना ब्रायोफाइट्स में देखने मिलेगा, ना टेरिडो में, ना जिम्नों में. ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में ही दिखाई देगा, एंजियोस्पर्म्स की खासियत है. अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय नावेंशी. अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, लिलिएशियस फैमिली, लिलिएशियस प्लांट, फॉर एग्जाम्पल लिलियम एंड फ्रिटिलारिया, दो प्लांट्स पर इन्होंने ये डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट स्टडी किया. एंड फाइनली स्टडी करने के बाद इन्होंने ये कंसेप्ट प्रपोज किया कि अच्छा, प्लांट्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, और ये एंजियोस्पर्म्स खासियत होती है. डबल मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन होता, कैसे हम देखेंगे. अब बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, पोस्ट पॉलिनेशन जैसे ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स फॉल ऑनटू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, वैसे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है. पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है ऑन स्टिग्मा, और ये जर्मिनेट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है ऑन टू स्टिग्मा. सपोज ये हमारा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यहां पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं. वन ऑफ द पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट एंड विल फॉर्म पोलन ट्यूब. दिस पोलन ट्यूब विल कैरी टू मेल गेमेट. ये हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में डिटेल में डिस्कस किया था ये कंसेप्ट. अब यहां पे अब ये कैसे होता है, बेसिकली अब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है, इनके पास होते हैं दो मेल गेमेट्स होते हैं. अब पोलन ट्यूब यहां पे प्रेजेंट होता है ओवरी, एग, ओव्यूल प्रेजेंट होता है. अब पोलन ट्यूब को कैसे पता चलता है कि एग्जैक्टली उसे इसी डायरेक्शन में आना है फॉर फर्टिलाइजेशन, या इसी डायरेक्शन में एग प्रेजेंट है? उन्हें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ सिनर्जिक सेल्स.
हमने एग अपैरेटिस एम्ब्रियो सैक का पूरा एग अपैरेटिस का एक डिटेल स्ट्रक्चर देखा है जिसमें जिसमें टोटल होता, इसे हम कहते हैं एग, इसे हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स, ये यहां पे हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहां पे तीन एंटीपोडल सेल्स। हमने ये चीज पढ़ी थी रिगार्डिंग एम्ब्रियो एग अपैरेटिस, एंजियोस्पर्म्स का एग अपैरेटिस में इतनी चीजें होती है, ऊपर की तरफ तीन एंटीपोडल सेल्स, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, और तीन सेल्स में दो सेल्स आर नोन एज सिनर्जिड सेल्स, इन बिटवीन सिनर्जिड सेल्स एक होता है एग सेल। अब ये जो डायरेक्शन है पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम करता है सिनर्जिड सेल्स, फिलिफॉर्म अपैरेटिस होता है सिनर्जिड सेल्स का, हमने डिस्कस किया था डिटेल में, फिलिफॉर्म अपैरेटिस होता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्जैक्टली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। अब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कैसे करता है, स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर पोलन ट्यूब एंटर करता है फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड तो उसे हम कहेंगे पोरोगैमी। सो व्हेन पोलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइलर एंड इट इज नोन एज पोरोगैमी। ठीक है, अब यहां पे माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेगा। दूसरा कंसेप्ट आता है चलाजोगैमी में। अब ये अगर माइक्रोपाइलर एंड है तो अपोजिट टू माइक्रोपाइलर इज चलाजल एंड। अगर पोलन ट्यूब यहां से टुवर्ड्स फ्रॉम चलाजल एंड एंटर कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे चलाजोगैमी। सो व्हेन पोलन ट्यूब enters through chalazal end, it is known as chalazogamy. अब एक बहुत interesting concept है regarding mesogamy का मतलब होता है जब pollen tube enter करता है via integument तो उसे हम कहते हैं mesogamy. So when pollen tube enters through integument, it is known as mesogamy. अब तक डबल फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग पोलन ट्यूब का एंट्री, पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमिट उसके एंट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तीन तरीके से एंटर कर सकता है पोलन ट्यूब फीमेल ओव्यूल में, एक होता है पोरोगैमी मतलब नॉर्मल माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर सकता है, या फिर चलाजल एंड से एंटर कर सकता है, या इंटेग्यूमेंट वाले एंड से भी एंटर कर सकता है। सो ये तीन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी। पोरोगैमी जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है तो उसे हम पोरोगैमी कहते हैं, चलाजोगैमी चलाजल एंड से पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है, मीजोगैमी इंटेग्यूमेंट से एंटर कर रहा है नॉर्मली। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर द इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स डबल फर्टिलाइजेशन के वक्त होते हैं। उसके पहले एक और कंसेप्ट हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, लेट मी सी, लेट मी सी ये कलर विजिबल है क्या, यस, साइफोनोगैमस का मतलब होता है कि जब नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन, सो जब नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन is carried through hollow
द नॉन मोटाइल पोलन ग्रे इज कैरिड थ्रू हॉलो पोलन ट्यूब. The non-motile pollen grain is carried through pollen tube. Pollen tube के through अगर कोई normally pollen grain germinate होना जरूरी है अगर उसे fertilization करना हो तो. लेकिन Siphonogamous में क्या होता है कि जो non-motile pollen grain होता है वो बिचारा अगर pollen tube basically क्या होता है, pollen tube ये तुम्हारा pollen grain है और ये हो गया pollen tube, ये hollow होता है. In some cases ये hollow होता है. अगर कोई नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन इस हॉलो पोलन ट्यूब से एंटर कर रहा है तो इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे साइफोनोगैमी. इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे साइफोनोगैमी. ये एक कंसेप्ट है साइफोनोगैमी का. अब हम आते हैं इवेंट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. अब क्या क्या इवेंट होता है, दो इवेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहला इवेंट है सिनगैमी, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन. सिनगैमी के वक्त क्या होता है, जब ये हो गया हमारा एग अपैरेटस, यहां पे मेरे पास है एग, सिनर्जिड सेल्स जो डायरेक्शन दे रहे पोलन ट्यूब को, बीच में प्रेजेंट है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऊपर के साइड प्रेजेंट है हमारे एंटीपोडल सेल्स. यहां से अब सपोज पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है, पोलन ट्यूब इज कैरिंग टू मेल गैमेट. पोलन ट्यूब को डायरेक्शन कौन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है सिनर्जिड सेल्स. ये मेल गैमेट यहां पर आ गए. सबसे पहला होगा सिनगैमी, मतलब फर्टिलाइजेशन बिटवीन वन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट. गॉट इट. फर्दर ये जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा. सो बेसिकली जनरेटिव फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं. नॉर्मली मेल गैमेट, पोलन ट्यूब के पास दो मेल गैमेट है, वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद एग यानी कि फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट. This diploid zygote will further develop into an embryo. अब second male gamete क्या करता है, ये जो second male gamete है, this second male gamete will fuse with secondary nucleus. Secondary nucleus already 2N है, plus दूसरा N आ रहा है यहां पे second male gamete का. So कितना हुआ ये 3N. ट्रिपल फ्यूजन इसे कहते हैं. ठीक है, सो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन इसे कहते हैं. अब ये बनता क्या है या फिर क्या बनता है ट्रिपल फ्यूजन में, ट्रिपल फ्यूजन में बनता है पेन. बहुत इंपॉर्टेंट है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है. ठीक है, यानी कि हमारा एंडोस्पर्म एंड में फॉर्म होता है वाया ट्रिपल फ्यूजन. अब देखो एक मेल गैमेट ने एग के साथ फर्टिलाइज किया, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, दो बार फ्यूजन हुआ, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. अब ये जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता है और इसका क्या इवेंट्स क्या है, फंक्शन क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. So till then, goodbye.